जब अयोध्या में राम राज्य हुआ ना, तो 6 महीने बीतने के बाद राम जी ने सोचा कि अब सबको विदाई दें, जामवंत, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, इन सबको अब विदाई दें। तो सबको विदाई देते समय कुछ न कुछ तो देना है, कुछ प्रसाद देना है, कुछ दक्षिणा देनी है, या कुछ हीरे मोती आदि कुछ भी भेंट में कोई माला देनी है रत्न आदि की। तो सबने काम बांट लिया। भरत जी समझो जामवंत को विदाई देंगे, लक्ष्मण जी नल नील को देंगे, अंगद को अमुक देंगे। राम जी की हाजिरी में, राम जी की उपस्थिति में अमुक को सीता माता प्रसाद देंगी। ऐसी आपस में सबने सेवा बांट ली। पर आखिरी में नाम रह गया हनुमान जी का, कि हनुमान जी को कौन देगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम दे देना हनुमान जी को विदाई। लक्ष्मण जी ने कहा मैं हनुमान जी को विदाई नहीं दे सकूंगा। क्यों, क्यों नहीं? बोले नहीं, उन्होंने ही तो मुझे मेरे प्राण बचाए हैं। मेघनाथ शक्ति बाण मारकर मुझे उठाकर ले जा रहा था, हनुमान जी ने मुझे उसके हाथ से छुड़ाया, मेरे लिए बूटी ले आए, वैद्यराज को ले आए। मैं हनुमान जी को विदाई नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ करो। तो राम जी ने भरत को कहा भैया भरत तुम हनुमान जी को विदाई दे सकोगे। भरत जी ने कहा नहीं, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। क्यों? बोले मैं तो चिता तैयार करके उसमें प्रवेश करने वाला था, अपना शरीर जलाने वाला था, क्योंकि आपने आने में देर कर दी, 14 साल पूरे हो गए थे। आप भरद्वाज जी के आश्रम में सत्संग के लिए रुक गए थे, पुष्पक विमान आपने लंका से उड़ाया तो भरद्वाज जी के आश्रम में उतारा, तो देर हो रही थी। मैं तो चिता तैयार करके शरीर को जलाने वाला था, ये तो हनुमान जी आ गए और उन्होंने मुझे कहा राम जी आ रहे हैं, तनिक ठहर जाइए भैया, मैं हनुमान जी को विदाई नहीं दे सकता, मुझे माफ करो। शत्रुघ्न जी को राम जी ने कहा शत्रुघ्न भैया तुम तो दे सकते हो। शत्रुघ्न जी की आंखें भराई, बोले नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे बड़े भैया लक्ष्मण और बड़े भैया भरत के प्राण बचाने वाले को मैं विदाई दूं कि भले आप जाओ, मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ करिए। सीता माता की तरफ राम जी ने देखा कि तुम राम जी को विदाई दे दोगी। सीता जी की आंखें भी भर आई, बोले कोई मां अपने पुत्र को विदाई कैसे दे सकती है, कैसे कह सकती कि जाओ, मैं नहीं दे पाऊंगी। राम जी ने कहा ठीक है। कौशल्या माता की तरफ देखा, मां तुम, तीनों माताएं एक साथ बोल पड़ी कि नहीं हम भी नहीं दे पाएंगे। आखिर सब ने कहा राम जी को आप विदाई दे देना, आप दे सकोगे। तब राम जी भी कुछ बोल ना पाए, चुप हो गए, शब्द बोलते न बने, निशब्द हो गए कि हनुमान जी को तो राम जी कहते मैं भी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाओगे? बोले बस उसका जवाब नहीं मेरे पास, मैं नहीं दे पाऊंगा। आखिर सब ने फैसला किया कि हम हनुमान जी को विदाई नहीं देंगे, उनको जाने ही नहीं देंगे, उनको रोक लेंगे अयोध्या में ही। सबको सबने विदाई दी, सब निकल गए। आखिरी में हनुमान जी भी चुपचाप निकल गए। सब एक दूसरे के तरफ देखने लगे कि हनुमान जी क्यों चले गए, इनको तो हमने विदाई भी नहीं दी, कुछ कहा भी नहीं, ये क्यों चले गए, ये तो यहीं रहे, उनके बगैर अच्छा नहीं लगता, क्यों गए। हनुमान जी बाहर गए और सुग्रीव को आवाज दी, महाराज रुकिए। सुग्रीव रुके, हनुमान जी ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं छोटा था, माँ अंजना की आज्ञा से सूर्य भगवान के पास वेदों की विद्या पाने गया था। विद्या पूरी होने के बाद सूर्य भगवान को मैंने कहा दक्षिणा में आपको क्या दूं, तो सूर्य नारायण ने मुझे कहा था कि दक्षिणा में इतना ही वचन दे दो कि मेरे अंश से जो सुग्रीव जन्मेगा उसकी तुम रक्षा करोगे। बस मैंने सूर्य भगवान को वचन दिया था, आप सूर्य के अंश से जन्मे हो प्रभु, इसलिए आपकी सेवा में मैं था, अब तो आपका मार्ग निष्कंटक हो गया। अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ समय राम जी के चरणों में ही रहना चाहता हूं। सुग्रीव भाव विभोर हो गए, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि ये तो तुम्हारी बढ़ाई थी कि तुमने हमें मान दिया और हमारे साथ रहे, तुम हमको प्रणाम मत करो, हम तुमको प्रणाम करें ये शोभा देता है, आप प्रणाम करो ये शोभा नहीं देता।
जाओ तुम राम जी के सानिध्य में ही रहो। और हनुमान जी लौट आए राम जी के सानिध्य में, सभी आनंदित गदगद हो गए, खुशी के मारे सबकी आंखों में आंसू आ गए कि अच्छा हुआ हनुमान जी लौट आए। तो जैसे अयोध्या में हनुमान जी फिर से लौट आए, हम सब आज की इस पवित्र तिथि हनुमान जयंती को गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे हृदय रूपी अयोध्या में भी हनुमान जी सदा रहे। माने हम ऐसे पक्के सेवक हनुमान जी जैसे तो नहीं हो सकते, पर हनुमान जी हमारे हृदय से न जाएं, हम कर्तव्य निष्ठ रहें, हम साधन परायण रहें, इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच हमारे में न रहे, हम प्रीति परायण हो। जैसे हनुमान जी ने राम जी से कभी कुछ नहीं मांगा, मांगा तो क्या मांगा कि जो आपका नाम जपे मैं उसकी रक्षा करता रहूं बस। हम भी ऐसे भक्त बने। दूसरों की और स्वयं की भक्ति बढ़ाने वाले बने। सूर्यनारायण से वेदों की विद्या पाई थी और कितनी कृतज्ञता, सुग्रीव की सेवा में रह गए, इतने बड़े शिवजी के अवतारी और सुग्रीव की सेवा में दास बनकर रहे। हम भी गुरुदेव के चरणों में वेदों और उपनिषदों की विद्या पाते हैं। हे हनुमान जी, हम भी अपने गुरुदेव के प्रति सदा कृतज्ञ रहे, गुरु के उपकारों के प्रति हम कृतज्ञ रहें, भक्ति निष्ठ रहें, श्रद्धा निष्ठ रहें। हमारी श्रद्धा के पूर्ण चंद्र में कभी ग्रहण न लगे। इस चंद्रमा को तो ग्रहण लग जाता है, पर गुरु के प्रति हमारे प्रेम रूपी चंद्रमा को कभी ग्रहण न लगे और उसमें कभी कृष्ण पक्ष ना आए। इस प्रकृति के चंद्रमा में तो पूनम के बाद कृष्ण पक्ष लग जाता है और चंद्रमा की कला कम होती जाती है। गुरु के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम रूपी चंद्र है उसमें कभी कृष्ण पक्ष ना आए, उसमें हमेशा शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा बनी रहे। माने हमारा प्रेम पूर्ण हो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के चांद की तरह। इसमें कभी भी हे भगवान, हे गुरुदेव, कभी भी इसमें कृष्ण पक्ष न लगे, बस ऐसी कृपा करो। हमारी संपत्ति भले थोड़ी कम हो पर भक्ति कम ना हो। मरेंगे तो संपत्ति कितनी भी जमा की हो छूट जाएगी, भक्ति कितनी भी की हो छूटेगी नहीं, साथ जाएगी। शरीर तो मरना है, हे भगवान, हे दाता, हमारी भक्ति न छूटे, बस भक्ति ऐसी हो कि खर्च भी न हो, बढ़ती जाए। हृदय की पुकार, हृदय की प्रार्थना भगवान भगवत प्राप्त गुरु स्वीकार करते हैं, जरूर करते हैं। और ऐसे पवित्र पर्व के दिन
राम रामाय नमः 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 हरि हरि ओम।